कि डॉक्टर साहब क्या बताएंगे कि फार्मर को एसओपी खाद डालनी चाहिए बगीचे में कि एमओपी? अगर एमओपी डालनी चाहिए तो क्यों डालनी चाहिए वो? एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसमें जो है वो 60% जो है पोटाशियम होता है, और ये जो है इसमें पोटाशियम क्लोराइड जो है इसमें सॉल्ट होता है, और जो एसओपी की बात की आपने, इसमें जो है सल्फेट ऑफ पोटाश, यानी कि इसको पोटाशियम सल्फेट के नाम से ही जाना जाता है। और इसमें अगर पोटाशियम सल्फेट में है कि अगर इसमें सल्फर की मात्रा जो है, सल्फेट जो होता है इसमें पाया जाता है, जिससे कि जो है सॉइल इसकी एसिडिटी जो है, सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है। इसमें जो है मैं प्लस फिर इसमें लाइम यानी कि चूना भी डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो हम जो रिकमेंड करेंगे वो उसको म्यूरेट ऑफ पोटाश ही जो है उसको किसानों को अपने बगीचे में म्यूरेट ऑफ पोटाश को डालने की सलाह देंगे। डॉक्टर साहब, अगर एसओपी से सॉइल एसिडिक हो जाएगी तो उसको कैसे हम मतलब कि ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं? अगर एसओपी आप अपने बगीचे में डालते हैं या किसी खेतों में डालते हैं तो उसमें सल्फेट की मात्रा होती है, तो एसिडिक तो हो ही जाएगी। हाँ, तो उसको रिमूव करने के लिए जो है वो हमें चूने की मात्रा जो है वो डालनी पड़ेगी, जिससे कि उसकी पीएच जो है न्यूट्रल के आसपास रहेगी, तो वो जो है प्लांट के लिए जो है वो अच्छी मानी जाएगी। अगर उसका पीएच मान ठीक होगा तो उसकी मतलब पौधों पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, और उसकी मिट्टी की जो आपका स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा रहेगा, और सॉइल की हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी। अगर अगर उसमें कमी होगी, यानी कि अगर सॉइल एसिडिक रहेगी तो वो उससे टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, होगी। जैसे सेब, और सेब जो हमारे सेब है, क्या है उसके लिए हमारे को एमओपी ही पे ज्यादा जाना चाहिए कि एसओपी पे जाना चाहिए हमारे को? उसके लिए जो रिकमेंडेशन है वो तो एमओपी ही, एमओपी की ही रिकमेंडेशन है, एसओपी की रिकमेंडेशन अभी नहीं आई। आपने अभी पूछा, आपने अभी बोला कि भी जो आपका एसओपी अगर डालते हैं आप, तो एसओपी भी डालने पे आपका बोला कि न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब वो जो पीएच है आपका वो हाई हो जाएगा। पीएच हाई होने से उसका जो प्लांट पे है क्या इफेक्ट होगा? दूसरे न्यूट्रिएंट्स में उसमें कोई इफेक्ट होता है उसका? एसओपी के डालने का, एसओपी डालने से अगर न्यूट्रलाइज हो, मतलब आपका एसिडिक होगी, तो उसमें तो है, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है फिर? उसमें क्या दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं या दूसरी जो आपकी खाद्य होती है उनको लेने में उसमें प्रॉब्लम होती है? हाँ जी सर, इसमें ऐसा है कि अगर आपकी सॉइल अगर एसिडिक है तो उसमें जैसे कि पीएच अगर आपकी कम हो गई है, मान लो जैसे कि एसिडिक सॉइल हो गई है, तो उसमें जैसे कि बोरोन की डेफिशिएंसी भी आ सकती है, तो दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेने में जो है उनकी इनटेक नहीं हो पाएगी प्लांट्स के द्वारा, तो उसको जो है वो अच्छी तरह से नहीं मिल पाएंगे, जिससे कि उसमें कमी के लक्षण आ जाएंगे। अगर उसकी कमी होगी तो उसकी जैसे कि मान लो कि जैसे कि बोरोन की डेफिशिएंसी आती है इसकी पीएच कम होने से, तो उसमें जो है बोरोन से क्या होता है कि आपका जो है जैसे कि फ्रूट पे देख लो तो उसमें रेसिटिंग के नाम से एक प्रॉब्लम आती है। अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी तो उसमें जो है क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी जो है मार्केट वैल्यू जो कम हो जाती है। इसलिए मैं ये राय देना चाहता हूँ कि आप अगर एमओपी डालें तो उसे ठीक रहेगा। ठीक है।